आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रही हूँ जो मेरी जिंदगी में बहुत ही खास है। अच्छा चलो जरा मैं भी तो देखूँ कौन है वो खुश नसीब। नमस्ते मैम सर। नमस्ते। अरे सर आपका आज तक मैंने नाम ही सुना था, लेकिन आज मैं आपसे मिल भी लिया। आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। ओह थैंक यू। वेलकम सर। वरुण का है? बोलो वरुण कहाँ है? वरुण का एक्सीडेंट हो गया था, उनको काफी चोट आई है, वो अंदर रूम में है। इतने दिनों बाद मिली हो और मैं तुमसे मजाक भी ना करूं। रुको अभी बताती हूँ। अरे विपिन सर नमस्कार। नमस्कार। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ क्यों, तुमने क्या सोचा तुम मुझे बताओगी नहीं तो क्या मुझे मालूम नहीं चलेगा? और ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी अंशी की जिससे शादी हो और उसके बारे में मुझे मालूम ना हो। मुझे ये भी पता है कि इनकी शहर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, और मुझे ये भी पता है कि ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें बहुत ही खुश रखेंगे। और तुम्हारी शादी 3 मार्च को है ना? अरे वाह तुम्हें तो सब पता है। ओह सॉरी सर, मैं वरुण। नाइस टू मीट यू। अंशी अक्सर आपके बारे में बताती रहती है। अच्छा वरुण अब हम लोग चलते हैं, लेकिन हमारी शादी में जरूर आना। जरूर आऊंगा। ये कार्ड। ओ विपिन सर। हाँ बोलो। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरी अंशी को हमेशा खुश रखना। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं खुद से ज्यादा उसका ख्याल रखूंगा। अच्छा चलता हूँ। हाँ यस बोलो। हेलो सर, आज मिश्रा जी के यहाँ बर्थडे पार्टी है, आप आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं यार, मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे सर आइए ना, यहाँ पर पूरा इंतजाम है, फुल एंजॉय होगा। अरे नहीं नहीं यार, वो मेरी बीवी से बढ़कर थोड़ी ना है, और वैसे भी यार अभी मेरी नई नई शादी हुई है, रोज घर लेट जाता हूँ। बस जाओ जल्दी में खाना खाओ और सो जाओ, इसीलिए आज मैं ऑफिस से जल्दी जा रहा हूँ। थोड़ा बीवी के साथ प्यार भरी बातें होंगी, मस्ती होगी, इसीलिए तुम मिश्रा से कह देना कि मैं उससे बाद में मिलता हूँ। ओके सर। ओके दीदी। हाँ? मुझे काम है। क्या काम है? मुझे थोड़े रुपए चाहिए। कितने रुपए? वो ज्यादा नहीं दीदी, सिर्फ 10,000 रुपए। मुझे एक सेकंड हैंड बैग पसंद आ गए है, तो मैं उसे लेना चाहता हूँ। क्या 10,000 रुपए? अभी मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं उनसे बोलूंगी। ठीक है दीदी। क्या बातें हो रही है भाई बहन में? कुछ नहीं बस ऐसे ही। कोई काम कर रहे हो क्या? नहीं तो। तो करते क्यों नहीं, जाओ घर की सफाई कर दो। ठीक है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? जी मैं वो खाना बनाने जा रही हूँ। अरे छोड़ो यार ये खाना बना, तुम यहीं रुको मेरे पास। हटिए ना आप भी। अरे यार तो फिर बोलो ना मैं क्या करूँ, तुम यहाँ सारा दिन घर में रहती हो और मैं सारा दिन ऑफिस में, हम दोनों को टाइम ही कहाँ मिल पाता है साथ में रहने का। इसीलिए आज मैं सारी मीटिंग कैंसिल करके आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। भैया ये कहाँ से आ गई? हाँ शशि बोलो। भैया मुझे 2,000 रुपए चाहिए थे। वो अलमारी में रखे हैं, जाओ ले लो जाके। ठीक है भैया, लेकिन क्या हुआ आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। अरे मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, जाओ तुम्हें पैसे चाहिए ना, जाओ जाके ले लो। क्या यार जिसके लिए ऑफिस से जल्दी आया, लेकिन यहाँ भी। वैसे तुम गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो। चलो बताता हूँ तुम्हें। ओ, अब हमें यहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जल्दी
अरे यार, एक तो फोन काम नहीं बनने देता है, देखो कौन है। और हाँ, जो भी हो उससे बता देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अरे वरुण का फोन। अरे यार, इसको भी अभी फोन करने को मिला था। हाँ वरुण। हेलो अंशी। हाँ वरुण बोलो। यार अंशी, वो मुझे जुखाम हो गया है, तो बताओ कौन सी टेबलेट ले लूँ। देखा, पड़ गई ना मेरी जरूरत। हाँ पड़ गई। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम अभी हो कहाँ। अभी तो मैं छत पर हूँ। तुम जाओ हॉल में, वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा होगा, उसमें ब्लू कलर की टैबलेट होगी, वो ले लो, तुम्हारा जुखाम ठीक हो जाएगा। ओके थैंक्स। अच्छा हाँ, दवाई मिली तुम्हें। अच्छा ठीक है वरुण, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ओके 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 बाय। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे थे। अभी तो इतने रोमांटिक हो रहे थे और अब सो गए। क्या जिंदगी है यार, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। मैं जब ऑफिस में आता हूँ तो वो घर में रहती है, और जब घर जाता हूँ तो सब लोगों के होने की वजह से उसमें भी टाइम नहीं मिल पाता है। क्या करूँ क्या करूँ। हाँ ऐसा करता हूँ, कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने निकल जाता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। तुमने तो डरा ही दिया था। वैसे आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ क्योंकि आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मतलब पहले नहीं लगती थी। लगती थी लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रही हो। अच्छा हाँ, वो परसों हम लोग शिमला जा रहे हैं। क्या शिमला? हाँ पर वहाँ तो बहुत ठंड होती है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। अरे ठंड होती है तो क्या, उसके लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है, हम वहाँ गर्म कपड़े लेकर जाएंगे। अच्छा हम लोग ट्रेन से जाएंगे ना। हाँ क्यों? तो फिर मुझे नहीं जाना, उसमें बहुत भीड़ होगी और मुझे चक्कर आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा तो हम लोग कार से जाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। देखिए किसी का फोन आ रहा है, उठाइए जरा। हाँ देखता हूँ। हेलो। हेलो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं ही बोल रहा हूँ। अरे विपिन सर, मैं वरुण बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा हाँ बताओ क्या बात है वरुण। क्या मैं अंशी से बात कर सकता हूँ? वरुण का फोन है। हेलो अंशी, मैं तुम्हें बहुत खुशी की बात बताने जा रहा हूँ। कौन सी बात? मैं परसों शिमला जा रहा हूँ। क्या सच? तुम भी शिमला जा रहे हो? हम भी परसों शिमला जा रहे हैं। एक काम करो, तुम हमारे साथ ही चलो, तुम भी साथ रहोगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है। अंशी मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आता हूँ। हेलो आजित, वो जो मैंने शिमला के लिए टिकट बुक कराई थी उन्हें कैंसिल कर दो। लेकिन सर परसों तो आप जाने वाले हैं। मुझे कहीं नहीं जाना यार, अभी ऑफिस और घर ही मेरे लिए शिमला है। ओके अच्छा सुनो, वहां पर बहुत ठंड होती है तो गरम कपड़े लेके चलना, ठीक है? अच्छा ठीक है बाय। सुनिए जी, वो वरुण भी परसों शिमला जा रहा है, वो हमें वहीं मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन अंशी हम परसों शिमला नहीं चल रहे हैं।
क्या? पर क्यों? अरे वो अभी अभी मेरे ऑफिस से फोन आया है, तो ऑफिस में काम कुछ ज्यादा है, इसीलिए परसों टाइम नहीं मिल पाएगा। ऐसा करते हैं हम लोग फिर किसी दिन चलते हैं। लेकिन मैंने वरुण को बोल दिया है कि हम उसे वहीं मिलेंगे। अरे तुम मना कर दो ना उसे, वो कोई चीफ मिनिस्टर है क्या जो बुरा मान जाएगा। अच्छा ठीक है, आपके पास जब टाइम हो तब हम चलेंगे। हाँ से कहाँ है? ओ, दीदी दीदी ऊपर कमरे में है। अंशी? अरे वरुण तुम? तुम मेरा नाम मत लो, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। मैं तुम्हें वहां शिमला में ढूंढते ढूंढते थक गया और तुम यहाँ घर में हो। अरे यार उनके ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए हम शिमला गए ही नहीं। अच्छा तो फिर कहाँ गए थे तुम लोग? दरअसल मुझे भी नहीं पता हम कहाँ गए थे, पर जहाँ गए थे वहाँ बहुत ही अच्छा नजारा था, बहुत ही हरियाली थी। मैं तुम्हें फोन करके बताने ही वाली थी पर तुम्हारा फोन लगा नहीं और फिर मैं भूल गई। अच्छा लगता है अभी तुम बच्चे ही हो। अच्छा ये बताओ तुम मेरे लिए वहाँ से क्या लाई हो? तुम्हारे लिए? ये शर्ट लाई। ये सर? क्यों अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है लेकिन वो वाली मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा तो तुम ये वाली ले लो, मैं ये वाली उनके लिए लाई थी, पर कोई बात नहीं मैं उन्हें ये वाली दे दूंगी। मैं इसे पहन कर देखता हूँ। हाँ। ओए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम ये? अरे विपिन सर मैं शर्ट बदल कर देख रहा हूँ। तुम्हें तमीज नहीं क्या? किसी दूसरे के घर में दूसरे के बेडरूम में दूसरी की बीवी के सामने तुम अपना शर्ट उतार रहे हो, शर्म नहीं आती? अब आइंदा से किसी के बेडरूम में शर्ट मत उतारना, बॉडी दिखा रहा है बॉडी बिल्डर कहीं का। हाँ मेरी बॉडी है इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, तेरे पास है बॉडी तो तू भी दिखा। ओए हद में, ये मेरा घर है और मेरी बीवी है, यहाँ जो करना होगा मैं करूंगा तू नहीं। अच्छा तो इसकी शादी हो गई तो ये सिर्फ तेरी है? क्यों इससे पहले तेरी थी क्या? नहीं 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 मैं वो नहीं हूं। अरे विपिन सर नमस्कार। नमस्ते। क्या हुआ आप बहुत परेशान लग रहे हैं? हाँ वो एक रॉन्ग नंबर है, परेशान कर रहा है बार बार। हाँ कभी कभी रॉन्ग नंबर बहुत परेशान करते हैं, उन्हें तुरंत ब्लॉक करके डिलीट कर देना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो, कभी कभी कुछ इंसान भी इसी तरह बार बार परेशान करते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ सर। अच्छा ये देखिए ये सर कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी हो। अरे सर मैं तो ऐसे ही पहन के देख रहा था। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, इसे उतारो मत, ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है, इसे पहने रहो। ओके ओके। अच्छा वरुण ये बताओ तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ वरुण अब तुम ही बताओ, ये हमेशा मुझसे पूछते हैं कि वरुण शादी कब करेगा। मैं अभी शादी नहीं करूँगा, इसके पीछे एक वजह है। तुम दोनों की शादी हो गई है तो ऐसा लगता है कि मेरी भी शादी हो गई है। अच्छा। हाँ जब भी मैं बोर होता हूँ और मौज मस्ती करने का मूड होता है तो मैं यहाँ चला आता हूँ, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करूँगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे काफी काम है। आराम से जाना। चला गया है वो? जी। शायद तुम अभी बच्ची हो। सी? कुछ नहीं। अंशी वरुण वरुण अंशी तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं कैसे हूँ तुम कैसे हो?
अंशी कहाँ हो तुम? क्या है, मैं किचन में हूँ। यहाँ आओ। अच्छा ठीक है। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे आप? टाई बांधो मेरी। पर मैं कैसे बांधू, मुझे तो बांधनी नहीं आती। अच्छा तो मैं सिखाता हूँ ना तुम्हें, पकड़ो इस वाली को, इधर डालो उसको ऊपर, हाँ उसको नीचे। अरे क्या कर रहे हैं आप, चुपचाप खड़े रहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम ही तो खींच रही हो मुझे। अरे वरुण का फोन। हाँ वरुण। हेलो अंशी, आज मैं तुम्हें बहुत खुशी की बात बताने वाला हूँ। अच्छा, पर अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, वो ऑफिस जा रहे हैं ना इसलिए। अच्छा अच्छा, लेकिन कितनी देर में जाएंगे वो ऑफिस? बस कुछ देर में चले जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके ओके बाय। हाँ तो बताइए कैसे बांधते हैं टाई? मैं आज से टाई ही नहीं पहनूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें उस वरुण से बात करने के बाद टाई मिल जाए तो ये टाई बनाना सीख लेना। अरे क्या कर रहे हैं आप, मेरी गर्दन घस रही है। अरे छोड़िए छोड़िए। क्या यार, टाई बांधना नहीं आता तो गुस्सा हो गया। देखो तो कितने रुपए। प्रदीप, प्रदीप। हाँ। तुम्हें कितने रुपए चाहिए थे? वो 10,000 रुपए, मुझे एक पुरानी मोटरसाइकिल पसंद आ गई थी तो इसीलिए। अच्छा तो इसीलिए तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए? नहीं तो ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने पैसे नहीं लिए। देखो झूठ मत बोलो, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुमने पैसे लिए हैं तो मान लो, क्योंकि चोरी करने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। मैंने पैसे नहीं लिए और ना ही मैंने कोई चोरी की है। आप मेरी बात मानिए, आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है। यू शट अप। चोरी करता और झूठ बोलता है, चल निकल यहां से, निकल। देखो सिर्फ मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसने पैसे लिए हैं तो मान लेना चाहिए ना, चोरी भी की है और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता। दीदी आप ही समझाइए इन्हें, आप तो अच्छी तरह जानते हैं मुझे, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने चोरी नहीं की है और मैं भला ऐसा क्यों करूँगा कि मैं जिस घर में रहूँ उसी घर में चोरी करूँ। आप ही बताइए इन्हें। अगर पैसे तूने नहीं निकाले तो फिर किसने निकाले बोल? आज से पहले तो इस घर में कभी चोरी नहीं हुई। अच्छा तो आपका मतलब है जब से मैं आई हूँ तब से चोरी शुरू हुई है। अंशी तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, जब इसने चोरी की है तो ये मान क्यों नहीं रहा है? और हाँ, अब मैं इसे इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे कह दो कि ये मेरी आंखों से दूर हो जाए और इस घर में आज के बाद ये कभी कदम नहीं रखेगा। अगर आपको लगता है कि चोरी इसने की है तो ठीक है, जा निकल जा यहां से और आइंदा यहां कभी मत आना। जाओ यहां से। भैया कल ना मुझे फीस जमा करनी थी और मैं लेट हो रही थी, तो इसीलिए मैंने आपकी पर्स से 10,000 रुपए निकाल लिए थे।
मुझसे बिना पूछे पैसे क्यों निकाले? अगर पैसे चाहिए थे तो मुझे बता देते, इस तरह पैसे क्यों निकाले मेरे? देखा, मैंने कहा था ना, मेरा भाई चोर नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, हम ही चोर हैं। तुम एकदम सही हो, हमारी ही गलती है। माफ करो मुझे जो तुम्हारे भाई के ऊपर इल्जाम लगाया। तुम लोग एकदम सही हो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। क्या करें आप? हम ही चोर हैं, तुम लोग एकदम शरीफ हो, मेरी गलती है, माफ करना मुझे। गलती मेरी ही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हेलो, हाँ अजीत, मैं आज जल्दी घर जा रहा हूँ, अगर क्लाइंट आते हैं तो तुम उन्हें देख लेना। ओके। हाँ से क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वरुण, उन्होंने आज प्रदीप को घर से निकाल दिया। क्या? हाँ। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया और थप्पड़ भी मारा और चोर भी कहा। अच्छा, वो नहीं चाहते कि प्रदीप घर पे रहे, कोई भी उसे ठीक नहीं समझता, सब उससे नफरत करते हैं। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं प्रदीप को समझा दूंगा। हाँ वरुण, एक तुम ही तो हो जो मेरे सुख दुख को समझते हो, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। ठीक है, अब तुम रोना बंद करो, मैं प्रदीप को कुछ दिन अपने साथ में रखूंगा। ओके। अंसी, अभी भी मुझसे गुस्सा है क्या? देखो जरा। The number you have dialed is currently busy. Please try later. ये कहाँ बिजी है? The number you have dialed is currently busy. Please try later. वरुण भी बिजी है, अंसी भी बिजी है, वरुण भी बिजी है, दोनों बिजी हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था, अंसी ने तो मुझसे कहा ही था कि जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो मैं वरुण से बात करती हूँ। करो बात, करो, मेरा क्या है, दिन भर करो बात, मैं तो बस नाम का पति हूँ। वैसे क्या बातें हो रही होंगी दोनों के बीच में। हेलो वरुण, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? मैं बस घर में हूँ। अरे बेवकूफ़ कहीं का, मेरी बीवी है, हाउस वाइफ है, तो घर में ही रहेगी ना। बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती दूसरों की बीवी से बात करते हुए, और उसे भी शर्म नहीं आती किसी गैर मर्द से बात करते हुए। लगता है मुझे ऑफिस छोड़कर घर में रहकर पहरेदारी ही करनी पड़ेगी। नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। ना आपको कपड़े पहनने का ढंग पता है,
ना ही बात करने का तरीका, और ये जो छोटी छोटी बातों में आप गुस्सा हो जाते हो, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो वरुण पसंद है। कितनी मीठी बोली बोलता है, हर बात में हंसा देता है। मैं रह भले ही आपके साथ रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में वरुण है। हंसी, मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी जॉब लगने वाली है और मैं अपनी पहली सैलरी से तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी साड़ी लाऊंगा। वरुण, तुम मेरे लिए कुछ ना लाओ, लेकिन मेरा एक ही सपना है कि तुम बहुत अमीर आदमी बनो। अच्छा, तुमने कह दिया तो समझ लो मैं बन गया। अरे विपिन सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, और तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो। आज कोई काम नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अंशी ने कहा था कि ज्यादा काम मत करना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, क्या हुआ सर, आप बड़े परेशान से लग रहे हैं। नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही थोड़ा सर दर्द कर रहा है। मैं टैबलेट लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम लोग बातें करो, मैं ले लूंगा। अरे विपिन सर, वो ब्लू कलर वाली टैबलेट लेना, उससे सर दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा। सर दर्द तो तुम ही हो। अंशी, वो विपिन सर आज कुछ ज्यादा ही सैड नहीं लग रहे हैं? पता नहीं। तुम चले जाओ बस, मुझे खुशी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। अरे रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए अनार का जूस लाती हूँ। अच्छा, तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे अनार का जूस पसंद है? हाँ, क्यों नहीं, मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। जब वो तुम्हें नहीं भूली तो अनार का जूस कैसे भूल जाएगी। यार मैं फिर किसी दिन पीऊंगा, अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय। क्या हुआ, आप ठीक तो? आपके तबीयत ठीक है? क्या हुआ आपको? दम घुट रहा है मेरा। क्यों, क्या हुआ? ये तुम पूछ रही हो? तुम्हें पता है कि एक शादीशुदा इंसान क्या चाहता है? यही कि उसकी बीवी उसे प्यार करे, उसे समझे, उसे उसके भाई बहन माता पिता और भगवान से भी ज्यादा माने। अगर मैं ये सब चाहता हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? ये क्या हो गया आपको, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चुप, एकदम चुप। आज तुम नहीं, आज मैं बोलूंगा। अंशी, तुम बदल गई हो, तुम वो अंशी नहीं रही जैसा जैसा मैंने सोचा था। नहीं, क्या लगी तो नहीं आपको? हाथ पर नहीं, दिल पर चोट लगी है। और मैंने तुम्हें लेकर जो सपने देखे थे उन सब पर तुमने पानी फेर दिया। आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। आज मुझे मत रुको, मुझे मेरे दिल की बात कहने दो। अगर आज मैंने अपने दिल का बोझ कम नहीं किया तो मेरी जान निकल जाएगी। हंसी, मैंने तुम्हें अपनी बीवी नहीं बल्कि एक परिवार को संभालने वाली माँ और सुख दुख में साथ देने वाला दोस्त समझा है, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं समझा, यहाँ तक कि अपना पति भी नहीं। और मैंने जब तुमसे पूछा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद कौन है तो तुम्हारा जवाब था वरुण। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? आप वरुण के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? चिल्लाओ मत, आज तक तुम्हें ये नहीं पता चला कि मुझे क्या पसंद है, लेकिन ये जरूर पता है कि उसे अनार का जूस पसंद है और उससे क्या बोलती हो कि जब वो ऑफिस चले जाए तब मेरे पास फोन करना। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? अरे सब पता है मुझे, सब जानता हूं मैं। और क्या कहती हूँ उससे कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई समझता नहीं है, तुम्हारे अलावा मेरा दुख मेरी तकलीफ कोई नहीं समझता। हंसी, सिर्फ हम बिस्तर होना ही बीवी का धर्म नहीं है, बीवी का धर्म है कि वो अपने पति को जाने, समझे कि वो किन हालातों से गुजर रहा है
और उसके दिल पर क्या बीत रही है। मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ, मुझे शक है तुम पर कि तुम मुझसे ज्यादा वरुण से प्यार करती हो। जब तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद घंटों से बात करती हो और उसे कहती हो कि तुम्हारे अलावा मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता, तो फिर बताओ मैं क्या समझूं इस रिश्ते को? अंशी, घर से बाहर जाने वाली औरत को ही गलत नहीं समझते, घर की बातें बाहर बताने वाली औरत भी गलत ही होती है। इसीलिए मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो और चली जाओ यहां से। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? प्लीज मुझे छोड़ दो अकेला और चली जाओ यहां से। पर मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। रह लोगी, कोशिश करना, लेकिन लेकिन अभी यहां से चली जाओ। और जब मुझे भी लगेगा कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा, लेकिन अभी यहां से चली जाओ। मैंने उसे अकेले वहाँ भेज दिया है। सर, आपने यही तो गलत किया। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, इंसान शादी इसलिए करता है जिंदगी में ताकि वह खुश रहे और उसके जीवन में खुशियाँ आए। जब कोई रिश्ता दिल को सुकून देने की जगह दिमाग को दर्द देने लगे, तब उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? हा? सर, मैं आपका मैनेजर हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, इसीलिए मैं एक ऐसे वकील को जानता हूँ जो सिर्फ तलाक ही करवाता है। अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं। तुम मेरे मैनेजर हो, मेरे शुभचिंतक हो, तो तुम्हें मुझे और अंशी को एक होने के उपाय बताने चाहिए, ना कि तलाक के, समझे? चलो जाओ यहां से। और हाँ, ये तलाक का आइडिया अब किसी दूसरे को मत देना। जाओ। यहाँ जी भैया, वो भाभी। चुप रहो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। जाओ तुम। दीदी, दीदी। हाँ बोलो, क्या बात है? दीदी, मुझे नहीं पता था कि वरुण ऐसा निकलेगा, पैसा आते ही हम लोगों को भूल जाएगा। क्यों, क्या हुआ? दीदी, उसने एक लड़की पसंद कर ली है और वो आज उसके साथ शादी करने जा रहा है। क्या शादी? हाँ दीदी, और उसने इसे भेजा हमें बुलाने के लिए, लेकिन उसे बोल देना कि हम लोग नहीं आएंगे। हाँ प्रदीप सही कह रहा है, और यह सब अचानक हुआ और किसी से कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। उससे कह देना कि हम जरूर आएंगे। और उनको नहीं बुलाया? हाँ हाँ बुलाया है, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। प्रदीप, तुम तो कह रहे थे वरुण शादी कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी शादी है? ना ही कोई मेहमान, ना ही सजावट। पता नहीं दीदी, चलो हम लोग अंदर देखते हैं। अंशी, तुम आ गई? हाँ, लेकिन ना ही कोई सजावट, ना ही मेहमान, ये कैसी शादी है? आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बैठो।
ये क्या है? आज तुम्हारा बर्थडे है। क्या? तुम्हें आता? हाँ, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा बर्थडे नहीं। हैप्पी बर्थडे अंशी। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। उन्हें नहीं बुलाया क्या? मैंने अजय को भेजा है उन्हें बुलाने के लिए। तो ठीक है, जब वो आ जाएंगे मैं तभी केक काटूंगी। ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू अंशी। देखो आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम आज भी मेरे साथ नहीं हो। हेलो सर। हेलो, बोलो क्या है? सर मैं आपको लेने आया हूँ। क्यों? सर आज वो वरुण बर्थडे है। अच्छा, कितने संयोग की बात है। देखो वरुण का भी बर्थडे आज ही है। नहीं सर, बर्थडे तो अंशी मैम का है, पार्टी वरुण दे रहे हैं। क्या, बर्थडे मेरी बीबी का और पार्टी वो दे रहा है? सर आपका सभी लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा वहां जाकर? वहां पर सभी लोग तो हैं, वरुण है, प्रदीप है, सब लोग थे उसका बर्थडे मनाने के लिए। और मैं क्या तुम्हें कोई कॉमेडियन दिखता हूँ जो वहां जाकर कॉमेडी करूंगा? जी नहीं सर। तो फिर जाइए यहां से। लेकिन सर। गेट आउट। जी सर जाता हूँ। वो आ रहे हैं ना? नहीं वो नहीं आ रहे हैं। लगता है विपिन सर और अंशी के बीच जरूर कोई बात हुई है। ये आपका लेटर आया है। ठीक है। ये तो दीदी के नाम पे है। दीदी ये देखो लेटर आया तुम्हारे नाम से। मेरे नाम से? हाँ। बोल। गजब हो गया। क्या हो गया बोल तो सही। अरे विपिन सर ने अंशी को डिवोर्स दे दिया है। क्या? हाँ, अंशी मैम वहां से अपनी मर्जी से नहीं आई थी, विपिन सर ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं, और ऐसा क्या कर दिया तुमने जो उसने तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेजे हैं? बताओ अंशी, बोलो। मैं भी इनसे पूछ पूछ कर थक गया हूं, लेकिन ये कुछ बताते ही नहीं, सिर्फ रोती रहती हैं। बोलो क्या बात है और क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं उससे क्या बात करूंगा? ठीक है, मैं उसी से जाकर बात कर लेता हूं। नहीं वरुण, तुम वहां नहीं जाओगे। ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? वरुण वहां जाएगा नहीं और तुम कुछ बताओगे नहीं तो मैं पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है? दीदी सिर्फ एक बार बता दो कि क्या हुआ है, अगर उन्होंने तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। चुप। और वरुण, मुझे सच में नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम वहां गए कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और क्या तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? और तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हें ऐसे रोता देखते रहे? वो सब मैं नहीं जानती। और वरुण तुम वहां नहीं जाओगे बस।
हेलो हेलो सर, मैं वरुण बात कर रहा हूँ। बोलो क्या बात है? सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों, क्या काम है? अरे सर वो, सर आप मिलिए फिर बताता हूँ। नहीं नहीं, अभी मैं तुमसे नहीं मिल सकता। सर बस दो मिनट के लिए, आप जहाँ बताएंगे मैं वहाँ आ जाऊँगा। प्लीज़ सर प्लीज़। ठीक है, रिंग रोड पर आ जाओ। ओके सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? कौन हो तुम? मैं वरुण, पहचाना नहीं क्या? हाँ नहीं पहचाना। ठीक है, लेकिन आपने अंशी के साथ सही नहीं किया। यही पूछने वाले, कौन हो तुम? सर आपके बाद एक मैं ही तो हूँ जो उसके सुख दुख के बारे में पूछता हूँ। और सर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं अंशी को समझाऊंगा। आखिर उसकी गलती क्या है? गलती उसकी नहीं, सारी गलती तुम्हारी है। क्या, मेरी गलती? हाँ। ये सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ठीक तो है ना? अच्छा मैं तुझे पागल दिखता हूँ? ये सर फालतू की बातें मत कीजिए। अच्छा तो मैं तुझे फालतू दिखता हूँ जो तुझसे फालतू की बातें करूँगा। और तू है कौन मेरी बीवी का? उसका बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई है, उसका चचेरा भाई है, या उसके मामा का लड़का है? बोल, है कौन तू मेरी बीवी का? और क्या रिश्ता है तेरा और मेरी बीवी का, बोल। अच्छा तो दुनिया में सिर्फ यही रिश्ते हैं क्या? अच्छा तो तू पड़ोसी है मेरी बीवी का? अगर तू पड़ोसी है भी तो तेरी नज़रें हमेशा मेरी बीवी के ऊपर ही क्यों रहती हैं? और तू किसी दूसरे की बीवी को दिन भर में कितनी बार फ़ोन करेगा? दो बार, चार बार, दस बार, जब देखो बस तू ही फ़ोन करता रहता है। और मेरी ही बीवी से पूछता है कि वो ऑफिस कब जाएगा, मैं फ़ोन कब करूँ। तुझे पता है कितनी तकलीफ होती है मुझे तेरी वजह से। तू आदमी नहीं, अपराधी है अपराधी। ठीक है मैं अपराधी हूँ, तो फिर तुम कौन हो? तुम तो अंशी के पति हो, तो तुम्हें उसके ऊपर विश्वास नहीं है क्या? नहीं है मुझे उसके ऊपर विश्वास, नहीं है उसके ऊपर विश्वास। वो हमेशा सिर्फ तेरी बातें करती है, वो मुझसे ज्यादा तुझे पसंद करती है। मैं तो सिर्फ नाम का पति हूँ, उसकी शादी मुझसे नहीं तुझसे होनी चाहिए थी। बंद कर अपनी बकवास, जो जी में आ रहा है बके जा रहा है। सखी कहीं का, शक करता है तू अपनी बीवी के ऊपर? हाँ शक करता हूँ, मुझे नहीं है उसके ऊपर विश्वास। और तू मुझे सखी बोल रहा है, सखी बोल रहा है मुझे? रुक रुक, मुझे सखी बोलता है, मुझे सखी बोलता है, शक करता हूँ ना मैं? ये ले मार दे मुझे, मार मार मुझे, मारना, मार दे मुझे, मार मार मुझे, मार। पल पल मरता हूँ मैं तेरी वजह से, यह हर दिन पल पल मरने से अच्छा है कि एक ही बार में मर जाऊं। मार ना मुझे, मुझे सखी बोलता है। तो सुन, जब तेरी शादी होगी और तेरी बीवी किसी दूसरे मर्द से दिन भर फोन पर बात करेगी और उसे कहेगी कि मेरा दुख तो सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, मुझे तुमसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं है, तब तेरी समझ में आएगा कि सखी से कहते हैं। जब तेरी बीवी आएगी और तेरे साथ ऐसा होगा, तब तेरी समझ में आएगा, तब तेरी समझ में आएगा कि सखी से कहते हैं। सखी कहीं का, शक करता है अपनी बीवी के ऊपर। सखी भी हद होती है, देवी जैसी बीवी पर शक कर रहा है, बेवकूफ कहीं का। और न जाने मेरे और अंशी के बारे में क्या क्या बोल रहा था। मैंने सिर्फ अंशी की वजह से उसे कुछ नहीं कहा, नहीं मैं उसे वहीं मारता। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इतना बड़ा आदमी और इतनी छोटी सोच। हाँ विपिन सर को आप पर शक करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था, आप दोनों बचपन के दोस्त हैं बस। क्या? हाँ आप दोनों बचपन के दोस्त हो बस। यार तो फिर इसमें सारी गलती मेरी है। वो क्यों? क्योंकि मैं अंशी से शादी के बाद भी वैसे ही बर्ताव करता हूँ
जैसे शादी से पहले करता था, उसी तरह से हंसना, मस्ती, मजाक। तो क्या बचपन के दोस्त, इतना तो चलता रहता है। यार तुझे पता है मैं और अंशी बचपन के दोस्त हैं, प्रदीप को पता है कि मैं और अंशी बचपन के दोस्त हैं, लेकिन विपिन को थोड़ी ना पता है कि मैं और अंशी बचपन के दोस्त हैं। उसे तो यही लग रहा होगा कि मेरा और अंशी का कोई चक्कर चल रहा है। फिर भी शक करने से पहले एक बार उन्हें तुझसे या अंशी से पूछ लेना चाहिए था। अगर तेरी बीवी से कोई घंटों तक बात करेगा तो क्या तू उससे डायरेक्ट जाकर पूछ लेगा? और उसने तो कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी बीवी के साथ कोई ऐसा करता मैं तो उसे जान से मार देता। फिर तो इस शक की वजह से अंशी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। नहीं, अगर उसकी जिंदगी बर्बाद मेरी वजह से हो रही है तो उसे आबाद भी मैं ही करूंगा। शशि रुको, विपिन सर कहाँ है? भैया घर पर नहीं है। अच्छा, लेकिन सुनो तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि विपिन को मेरा अंशी से मिलना और उससे बातें करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं और अंशी दोनों बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों भाई बहन के जैसे रहते हैं, और मैं यही बात विपिन को समझाने गया था, लेकिन वो ये बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये बात तुम उसे समझाओ, नहीं तो वो दोनों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे और फिर मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। प्लीज तुम उसे समझाओ। विपिन आप ही हैं? जी, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं जानवी हूँ, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। जी आइए अंदर बैठिए। मैं यहाँ तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं और ना अच्छे पति हैं। माफ कीजिएगा, आपके घरेलू मामलों में मुझे दखल नहीं देना चाहिए था। आपने अपनी बीवी को किसी भी वजह से घर से बाहर निकाला हो, लेकिन आप उसका इल्जाम मेरे वरुण पे क्यों लगा रहे हो? जब आप अपनी बीवी अंशी को नहीं समझ पाए तो मेरे वरुण को क्या समझेंगे? जब उन दोनों का बात करना आपको अच्छा नहीं लगता था तो दोनों में से किसी एक को बोल देते, वो कभी बात ना करते। और भला मेरा वरुण अंशी की जिंदगी क्यों बर्बाद करेगा? वो तो उसका बचपन का दोस्त है और मैं खुद वरुण से प्यार करती हूँ। विपिन जी, अंशी की कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है और पवित्र है, और हर किसी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है, लेकिन उस समय हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम उठा लेना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए कि गलती किसकी है और सच्चाई क्या है।
हमारा छोड़कर चली आई और अब दुनिया छोड़कर जाना चाहती हो। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। चुप रहो, कुछ मत बोलो। तुम्हारे घर से जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितना बुरा हूँ, लेकिन मेरे आसपास के लोग, वरुण, प्रदीप, तुम सभी लोग बहुत अच्छे हो। सिर्फ मैं ही गलत हूँ, इसलिए आज मैं अकेला हूँ। और मुसीबतें तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन मैं इन्हें समझ नहीं पाया और ये गलती कर बैठा। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि गलती सिर्फ मेरी ही है, इसलिए आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन मुझे नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगी क्योंकि सारी गलती सिर्फ मेरी ही है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दो,